हे गाइस, आज मैं आपको पॉपियो स्क्रीन गार्ड कैसे इंस्टॉल करना है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या क्या एक्सेसरीज मिलती है। ये पॉपियो का टेम्पर ग्लास मैंने अमेजन से लिया है 250 रुपीज में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और ये रहा टेम्पर ग्लास, इसको साइड में रख लेते हैं। और साथ ही हमें मिलता है डस्ट एब्जॉर्बर एंड ग्लाइड स्टिकर। ये स्टिकर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्क्रीन गार्ड को इंस्टॉल करने में, इसका यूज़ हम आगे चलकर वीडियो में देखेंगे। और ये दो टाइप्स के वाइप्स मिलते हैं, ड्राई वाइप्स एंड वेट वाइप। इसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ये टेम्पर ग्लास OnePlus 5T मॉडल के लिए कंपेटेबल है। तो चलिए दोस्तों, अब हम टेम्पर ग्लास लगाएंगे। ये मेरा पुराना OnePlus 5T का हैंडसेट है। जो टेम्पर ग्लास लगा हुआ है ये लोकली मैंने 100 रुपये में मार्केट से खरीदा था। सबसे पहले हम इस टेम्पर ग्लास को निकाल लेंगे। किसी भी कोने से आप इसको अपनी तरफ पुल करेंगे तो ये अपने आप निकल आएगा। हमें एक बात का यहाँ खास ध्यान रखना है कि पुराने टेम्पर ग्लास से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल और ग्लास पार्टिकल निकलते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी स्क्रीन को नॉर्मल टिश्यू पेपर से उसको क्लीन कर लेना है। और साथ ही हम टेबल को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम वेट टिश्यू लेंगे। इस वेट टिश्यू में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, जो कि किसी भी सरफेस को क्लीन करने में यूज होता है। इस वेट टिश्यू से हम अपने फोन को हल्के हाथों से 2 से 3 मिनट तक क्लीन करेंगे। मोबाइल के सारे कॉर्नर्स, एजेस और कैमरा लेंस को अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं इस साइड कितना गंदा हो गया। अब वेट टिश्यू की दूसरी साइड से हम इस फोन को क्लीन करेंगे। अब हम ड्राई टिश्यू का यूज करेंगे। फोन पे जो भी मॉइस्चर या लिक्विड रह गया है वेट टिश्यू यूज करने के बाद, वो ड्राई टिश्यू से हम सारा पोंछ लेंगे। यहाँ पे भी हमें 2 से 3 मिनट तक ड्राई टिश्यू से फोन को अच्छे से साफ करना है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, फोन ऑलरेडी कितना क्लीन हो चुका है। चलिए अब हम टेम्पर ग्लास को फोन पे लगाते हैं। इसके साथ हमें 3 गाइड स्टिकर मिलते हैं। इन स्टिकर्स को हमें टेम्पर ग्लास पे लगाना है। एक स्टिकर हम राइट साइड में ऊपर की साइड लगाएंगे और दूसरा स्टिकर हम राइट साइड में नीचे की तरफ लगाएंगे और तीसरा स्टिकर इन दोनों स्टिकर के बीच में, इनके अपोजिट साइड जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे लगाएंगे इस तरह। अब हमें टेम्पर ग्लास को फोन के कॉर्नर या कैमरा लेंस से रेफरेंस लेते हुए उसको मिला लेना है। राइट के 2 स्टिकर्स को हम पीछे फोन में पेस्ट कर लेंगे। फिर हम टेम्पर ग्लास को लेफ्ट साइड वाले स्टिकर को पकड़ के उसको खोल लेंगे। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेसरी के बारे में बताता हूँ, डस्ट एब्जॉर्बर। डस्ट एब्जॉर्बर एक तरीके से स्टिकर है जिसका यूज हम फोन की स्क्रीन में जो भी बचे कुचे डस्ट पार्टिकल है उसको निकालेंगे। इसे हमें फोन की स्क्रीन के ऊपर टैप टैप करके सारे स्क्रीन को कवर कर लेना है और जो भी डस्ट पार्टिकल है वो अपने आप इस स्टिकर में चिपक के आ जाएंगे। अब हम टेम्पर ग्लास के कवर को निकालेंगे और टेम्पर ग्लास को गाइड स्टिकर से पकड़ते हुए फोन की स्क्रीन पे ड्रॉप कर देंगे और फिर ये टेम्पर ग्लास अपने आप ही वैक्यूम क्रिएट करता हुआ फोन की स्क्रीन पे चिपक जाएगा। और आप हाथ से या फिंगर से थोड़ा टैप कर सकते हैं सो दैट कि ये एयर बबल जो भी है वो सब निकल जाए। दोस्तों आपको लगता है कि अगर बबल सही से नहीं निकले हैं तो लास्ट स्टेप आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। आप किसी भी एज से टेम्पर ग्लास को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे ताकि वो एयर बबल निकल जाए और फिर उसको दोबारा से ड्रॉप कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने करके दिखाया है। टेम्पर ग्लास लगने के बाद हम गाइड स्टिकर को निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप पॉपियो टेम्पर ग्लास अपने फ़ोन में लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसान है दोस्तों, इस वीडियो के हेल्प से आप इजीली अपने घर में खुद से ही टेम्पर ग्लास लगा पाएंगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।